मध्यकालीन संत महात्मा कबीर ऐसे संत भक्त हुए हैं जिन्होंने भारतीय जीवन के अत्यंत ही गहराई को प्रभावित किया है। भारत के मूल जीवन दर्शन का पुनरुत्थान कर नवीन चेतना का प्रवाह मानव जीवन के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण की कामना कबीर दास जी के दोहे का मुख्य उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि कबीर के दोहों का अध्ययन और अध्यापन केवल कबीरपंथी ही नहीं करते, जनमान्य जन सामान्य में भी उनकी कविताएं लोकप्रिय हैं, उनके दोहे लोकप्रिय हैं, उनके साहित्य लोकप्रिय है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधु और संतों की भाषा है। जहां उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी और कहीं कहीं शेखावटी की खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, वहीं कहीं कहीं भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग सुनने को मिलता है। कबीर दास न स्वयं लिखते थे न किसी से लिखाते थे, उनके शिष्य मंडली स्मरण मात्र से ही उनकी साखियों और पदों का संकलन करती थी। यही कारण है कि विभिन्न संस्करणों की भाषा भी कुछ कुछ भिन्न होती गई, कुछ अवधि के ठेठ के रूप में, तो कुछ राजस्थानी से प्रभावित ब्रज भाषा में, और कई पद तो भोजपुरी भाषा में भी संग्रहित हैं। आज के दूषित और तनावपूर्ण वातावरण में जहां नैतिक पतन, सामाजिक और चारित्रिक पतन की ओर हम सभी तेजी से गर्त की ओर जा रहे हैं, ऐसे में कबीर की वाणी आज कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर दास जी की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। वह निर्गुण स्वरूप हो तो कबीर दास से बड़ा संत कोई दिखता नहीं है, जिनकी कविताओं में निर्गुणात्मक स्वरूप का बड़े ही उच्च कोटि से वर्णन किया गया है। आज मैं कबीर के जिन पदों को गाऊंगा या परिभाषित करूंगा उसमें मूल भावधारा को अक्षुण्ण रखने की चेष्टा और प्रमाणिक अभिव्यक्तियां भी प्रस्तुत की गई हैं। तो आइए कबीर दास जी के कुछ खास दोहे साखियों का हम लोग गायन और पाठन करें। कबीर दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य वासना के वशीभूत अंधा है। कैसे? कबीर यह जग अंधला, कबीर यह जग अंधला, जैसी अंधी गाय। बच्चा था सो मरी गया, वो भी चाम चटाई। क्या बात है, कितनी सुंदर पंक्ति है। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार अपनी वासनाओं में उसी प्रकार अंधा है जैसे स्नेह के मोह में गाय अंधी होती है। आप कहेंगे गाय तो अंधी नहीं होती है, उसकी आंखें होती हैं, लेकिन नहीं, वह भी अंधी होती है तब जब उसके बच्चे मर जाते हैं, और तब गाय खड़ी खड़ी मृत के चर्म को, उस मृत बच्चे के बछड़ा के चर्म को चाटती रहती है। वैसे ही यह जीव भी मोहवश सत्य को छोड़कर जगत रूप आभास से ही प्रेम करता रहता है, जो निश्चय ही निरर्थक प्रेम है। एक प्रेम तो सच्चा प्रभु से ही हो सकता है। बच्चा
कबीर दास जी ने ऐसे ऐसे पदों को लिखा है। जैसे एक जगह कबीर दास ने गुरु की वंदना भी की है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। संत कबीर, महान संत कबीर इन पंक्तियों में यह बताना चाहते हैं कि जल जो नीचे है और आकाश ये कितनी दूरी है, पर ये भले ही दूर हो भावनात्मक रूप से एक है। कैसे? कमोदिनी जल हरि बसे, कमोदिनी जल हरि बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाहि का भावता सोता ही के पास। आह क्या पंक्ति है, कितनी अच्छी बात कबीरदास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से कही है कि कुमुदिनी जल में रहती है और चंद्रमा आकाश में। कितनी दूरी है, कहां जल कहां चंद्रमा, पर इस दूरी का अनुभव न करते हुए अपने प्रियतम के दर्शन से कुमुदिनी खिल जाती है। कहां उसका प्रेमी है, लेकिन उसके दर्शन मात्र से वह खिल उठती है। जो जिसे प्रिय है वह उसके पास ही है, चाहे स्थान और काल की कितनी भी दूरी। Yeah.